हाय फ्रेंड्स, आपका तुषार फिशरीज में स्वागत है। आज हम पोलार ब्लू पैरेट फिश ब्रीडिंग सेटअप कैसे करें और ब्रीड कैसे करें आज हम देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसे नए नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको पोलार ब्लू पैरेट फिश में मेल फीमेल डिफरेंस मालूम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आपको ब्रीडिंग के लिए एक या डेढ़ फीट का टैंक लेना है, उसमें आपको एक या दो दिन पुराना पानी डालना है। टैंक के अंदर एक स्पंज फिल्टर और एक मीडियम साइज में मटकी रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे सेटअप किया है वैसा सेटअप कर सकते हो। मेल फीमेल को अच्छा क्वालिटी का फूड देना है, उससे वो जल्दी ब्रीड करेंगे और वाटर क्वालिटी भी अच्छी रहेंगी। आपको ख्याल रखना है ब्रीडिंग टैंक का पानी हर दो दिन में 20% पानी चेंज करना है। वाटर क्वालिटी अच्छी रहेंगी तो ब्रीड जल्दी करेंगे, और एक दिया है तो उसमें फंगस नहीं लगेगा। आपके फिश के एग्स ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे। अगले दिन एग्स फर्टाइल हो गए हैं या नहीं वो आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं एग्स पूरा हैच हो गया है, और आपको ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाई देगी, उसमें एग्स फर्टाइल नहीं हुए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। एग से बेबी निकलने पर वो एक जगह पर पड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं वो बेबी फ्री स्विम कर रहे हैं, तब आप उनको फीड दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।